हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओ इट्स गर्ल जो में। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम नई वैकेंसी लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओ इट्स गर्ल जो में। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि इजराइल का जो रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कब आने वाला है, प्लम्बर का कब आने वाला है, पाइप फिटर का कब आने वाला है, ड्राइवर का कब आने वाला है। तो दोस्तों ये सभी जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत ही जल्दी आने वाला है दोस्तों, और कौन से ऑफिस में आएगा उसका आपको अपडेट मैं बहुत ही जल्दी देने वाला हूँ। और अभी इसका जो रिक्वायरमेंट दोस्तों कौन से ऑफिस में आने वाला है उस ऑफिस का भी आपको नाम इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए, कहाँ पर आपका दोस्तों आप वीज़ा मिलेगा और कहाँ पे दोस्तों आप पासपोर्ट दे सकते हैं ताकि जेन्युइन कंसल्टेंसी आपको मिले, किसी फेक एजेंट या कंसल्टेंसी के चक्कर में आप नहीं पड़े। तो इसके बारे में दोस्तों आज बात करने वाला हूँ मैं। तो दोस्तों चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि आपको जब भी हम नई वैकेंसी या कोई भी न्यूज अपडेट लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों ये सभी जो आपके कमेंट आते हैं उनका ही मैं जवाब आज इस वीडियो में देने वाला हूं ताकि आपके जो कमेंट हैं उनका आपको रिप्लाई मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि जो भी कैंडिडेट हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो भी हमारे कैंडिडेट इजराइल जाना चाहते हैं, जो भी पहली बार जा रहे हैं, उन सभी के बारे में दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इजराइल जाने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना सीवी बना के रखें, क्योंकि सीवी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और सीवी में क्या क्या आपको मेंशन करना है, क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन है और क्या आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये सभी बातों का दोस्तों मेंशन करके अच्छी सी सीवी बना के रखें ताकि आपका सिलेक्शन जब इंटरव्यू लेने वाला जो होता है सामने इंटरव्यूअर, उसको आपका सीवी देखकर ही ऐसा लगे कि हाँ ये कैंडिडेट वर्क एक्सपीरियंस वाला है। और सीवी का जो जितने भी उसमें मेंशन किए जाते हैं, आपका जो क्वालिफिकेशन हो गया और आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया और आप कौन सी कंट्री में काम कर चुके हो या फ्रेशर हो, जो भी हो, तो इसका दोस्तों आपके सीवी में मेंशन होने के बाद में उसका इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है सामने जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसके ऊपर। तो दोस्तों ये सभी अपडेट आप अपने सीवी में करके रखें ताकि रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि रिक्वायरमेंट कई जगह आ भी चुका है। कई जो मेन पावर ऑफिस हैं जहाँ पे पैसे लग करके कस्टमर इसको भेजा जा रहा है, कैंडिडेट को भेजा जा रहा है, और कई ऐसे मेन पावर ऑफिस हैं जहाँ पे फ्री में भी रिक्वायरमेंट आया है जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों कि वो रिक्वायरमेंट जो है अभी तक कन्फर्म नहीं हो पाया है, इंटरव्यू उसका कन्फर्म नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं जो सीवी सिलेक्शन कर रहे हैं और कई सारे ऑफिस ऐसे हैं कि आपका वहाँ पे खुद ऑफिस वाले ही इंटरव्यू ले रहे हैं और आपका पासपोर्ट और जो भी आपका सीवी वगैरह है, डॉक्यूमेंट है उसका, जो आपका पूरा पीडीएफ फाइल वगैरह जो भी है आपका या हार्ड कॉपी है वो वहाँ पे आपका सबमिट करके और आपको बोलेंगे कि आप कुछ दिन बाद में वेट कीजिए और जब फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा तो आपको बुलाया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या रहती है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू होता है तो ज़्यादा बेस्ट होता है, और ये प्री सिलेक्शन होने के बाद में जब इंटरव्यू होता है तो उसमें दोस्तों कैंडिडेट को दोबारा जाना पड़ता है। पहले बार तो वो जाता है अपना पासपोर्ट देने के लिए, फिर दोबारा उसको जाना पड़ता है इंटरव्यू देने के लिए। तो ये दोनों तरफ से दोनों बार जाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। तो इसलिए दोस्तों अभी कोई ऐसा अपडेट मैं आपको कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट आने वाली हमारे पास आते ही आपको उसका अपडेट मिलेगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये चार रिक्वायरमेंट का ही इसमें इंटरव्यू है इजराइल के लिए, जैसे मेसन, सटिंग कारपेंटर, टाइल मेसन एंड स्टील फिशर, ऐसा नहीं है ये चार का ही इंटरव्यू चलेगा। इंटरव्यू दोस्तों बहुत सारे आने वाले हैं, कम से कम मैं मानता हूं कि इसमें आपका ड्राइवर जो है, जितने ड्राइवर हैं उनका भी इंटरव्यू होगा, और जितने भी ऑपरेटर हैं, चाहे वो JCB ऑपरेटर हो, बैकहो ऑपरेटर हो, लोडर ऑपरेटर हो, है ना, डोजर ऑपरेटर हो, जितने भी हैं सबका इनका इंटरव्यू आने वाला है। और पाइप फिटर वगैरह का भी आएगा दोस्तों, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कृषि एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत सारे इंटरव्यू आने वाले हैं, क्लीनर का भी आने वाला है, लेबर का भी आने वाला है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू आने वाले, कई मेडिकल स्टाफ जो होंगे जैसे नर्स हो गए उनका भी आने वाला है, डॉक्टरों का भी आने वाला है। तो ऐसे करके बहुत सारे रिक्वायरमेंट आने वाले हैं, लेकिन मैं आपको उस ऑफिस का नाम बताने वाला हूँ कि जिस ऑफिस में आप जा करके वहाँ पर अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं और आपके साथ में कोई फ्रॉड नहीं हो। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे इंडिया में गल्फ भेजने के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड चलता है और कैंडिडेट के साथ में उसका पासपोर्ट ले लिया जाता है और पैसे भी जमा करवा लिए जाते हैं, उसके बाद में उसका टाइम ख़राब किया जाता है, मेडिकल का पैसा भी मेडिकल करवाने के बाद भी उसका पैसा लग जाता है, उसके बाद भी उसका वीज़ा नहीं आता। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है हमारे इंडिया के अंदर। तो दोस्तों इनमें आपको फंसना नहीं है, तो आप ऐसे ऑफिस के थ्रू जाइए जिनके पास लाइसेंस है। और मैंने अभी एक वीडियो पीछे अपडेट की थी, आज की तारीख में ही अपडेट की है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप कैसे सभी ऑफिस के लाइसेंस के बारे में कैसे जान सकते हैं, आप कौन सी वेबसाइट पे जा करके सभी ऑफिस का लाइसेंस देख सकते हैं और ऑफिस कितनी हमारे इंडिया में, उन सभी का भी आप एड्रेस और कौन सी एक्टिव है कौन नॉन एक्टिव है सभी को आप देख सकते हैं। उसका भी आप वीडियो जाके देख लेना, मैं आपको लिंक इस पे आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके देख लेना। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी आपका जो वीज़ा मिलेगा पक्का वीज़ा कहाँ पर मिलने वाला है, तो इसके बारे में दोस्तों बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट हमारे वीडियो को बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, एमपी से और दिल्ली से, महाराष्ट्र से देखते हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए दोस्तों मैं हर बार कुछ नई अपडेट लाता रहता हूं, ताकि आपको इजराइल से रिलेटेड या कोई गल्फ से रिलेटेड या फ्री रिक्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पर मिलती रहे और वैकेंसी भी मिलती रहे। तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट मेरे वीडियो को देखते हैं, तो दोस्तों उन सभी कैंडिडेट को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप किसी भी लोकल जो एजेंसी हैं या आपके एजेंट हैं उनसे बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिए इजराइल जॉब के लिए। क्योंकि आपका जो है ऑफिस, जो मेन ऑफिस होता है, उसका मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ और आप उस ऑफिस के में जा कर के अप्लाई कीजिए, ताकि आपका ना तो कोई आपके साथ फ्रॉड कर सके, ना आपका पासपोर्ट का टाइम ख़राब कर सके, ना आपसे पैसे ले सके कोई। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी कैंडिडेट के साथ में गलत ना हो इजराइल के नाम पे, क्योंकि इजराइल का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और लंबा चलने वाला है, ये 2-4 महीने में ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि अभी तक 10,000 कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुआ है जो फ्री रिक्वायरमेंट था, और जो कई ऑफिस में भी रिक्वायरमेंट हुआ है उनका भी दोस्तों अभी नेक्स्ट इस मंथ के एंडिंग तक कईयों का फ्लाइट भी होने वाला है। 23 तारीख को मुझे एक कैंडिडेट का मैसेज आया था कि सर मेरा फ्लाइट 23 फरवरी को होने वाला है। तो दोस्तों इजराइल का फ्लाइट जल्दी ही चालू होने वाला है, लेकिन आप किसी जनवन कैंडिडेट मेन पावर ऑफिस में जाकर के अप्लाई करोगे तो ही आपका फ्लाइट हो पाएगा। नहीं तो अगर आप किसी गलत जो मिनफार ऑफिस है या किसी एजेंट के चक्कर में आप पड़ गए, तो दोस्तों फ्लाइट तो बहुत दूर की बात है, आपका टाइम भी ख़राब होगा, पैसे भी ख़राब होंगे और पासपोर्ट का जो टाइम है वो भी ख़राब करने में कोई भी कहते ना कि टाइम नहीं लगेगा। और मैं दोस्तों बहुत सारा ऐसा ऐड देख रहा हूँ जिसका रिक्वायरमेंट इजराइल के नाम पे गोरखपुर में, पटना में, झारखंड में, राजस्थान में कई जगह चल रहा है। तो दोस्तों ये सभी रिक्वायरमेंट मैं जो देखता हूँ इनका सरकारी, अगर ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड अगर एजेंसी है तब तो इनके थ्रू आप जा सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है, इनके पास लाइसेंस नहीं है, तो दोस्तों बिल्कुल भी मत अप्लाई करें इनके पास जा करके, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट बहुत लंबा चलने वाला है और आगे वैकेंसी जैसे जैसे आएगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे एजेंसी के थ्रू जाएँ जिनसे आपका नुकसान ना हो, क्योंकि दोस्तों रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, 1,00,000 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर और मेडिकल वाले जो कैंडिडेट हैं उनका अलग से रिक्वायरमेंट चलेगा दोस्तों, ये खाली 1,00,000 तो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए रिक्वायरमेंट है। तो थोड़ा सब्र रखें, आपके पास वैकेंसी जैसे भी हमारे पास अपडेट आता है कोई अच्छी ऑफिस का, तो मैं आप तक पहुँचाने का कोशिश बहुत ही जल्दी करता हूँ। तो जैसे भी कोई रिक्वायरमेंट दोस्तों आता है तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा, उस ऑफिस का एड्रेस भी दूंगा और आपको नंबर भी दूंगा, ताकि आपके पैसे भी कम लगे और आप जनवन ऑफिस के में जा कर के अप्लाई कर सकें। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि अभी कहां कहां पे आपको जो बढ़िया जॉब कंसल्टेंसी है वो मिलने वाली है, उसके बारे में बात करने वाला हूं, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हैं और उनके जिनके पास लाइसेंस है, जहां पर दोस्तों आपको इजराइल का वीज़ा 100% मिल जाएगा। तो दोस्तों कौन से स्टेट में इजराइल का ज़्यादा रिक्वायरमेंट चल रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मुंबई में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट चल रहा है, उसके बाद दिल्ली में भी चल रहा है, कोलकाता में भी चल रहा है और चेन्नई में भी चल रहा है। तो दोस्तों मुंबई की बात करूँ तो मुंबई में कौन से ऑफिस में इजराइल का रिक्वायरमेंट अभी चलने वाला है, दोस्तों मुंबई में जो डायनामिक ऑफिस है उसमें रिक्वायरमेंट दोस्तों इजराइल का आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अंबे कंसल्टेंसी है, उसके पास भी इजराइल का जो रिक्वायरमेंट है वो आ रहा है। उसके बाद दोस्तों सिगुल इंटरनेशनल के नाम से भी कंसल्टेंसी है जो गवर्नमेंट से अप्रूव है, उसके पास भी दोस्तों इजराइल का रिक्वायरमेंट आ रहा है, जो मुंबई की कंसल्टेंसी है। और दिल्ली की बात करें तो दोस्तों दिल्ली में डायनामिक स्टाफ,
दिल्ली में डायनामिक की जो ऑफिस है उस वहाँ पर दोस्तों इसराइल का रिक्वायरमेंट आया था और वहाँ पे कईयों का इंटरव्यू भी हुआ है, कईयों का सिलेक्शन हुआ है, कईयों का वीज़ा प्रोसेस चालू हो चुका है। तो दोस्तों कुछ कैंडिडेट का जो है वहाँ से फ़्लाइट भी होने वाला है और कुछ कैंडिडेट का दोस्तों अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि उनका पीसीसी कंप्लीट नहीं हो पा रहा। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेडिकल में रह चुके हैं तो उनका नहीं हो पाया। तो दोस्तों वहाँ पे कई कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट क्या अभी कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि उनका पीसीसी नहीं हो पाया, कई मेडिकल में अनफिट रह गए, इसलिए कई कैंडिडेट का वीज़ा अभी तक नहीं आ पाया। लेकिन उनका आएगा दोस्तों क्योंकि सभी का वीज़ा आने वाला है जिनका अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उनके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आप सभी को। तो थोड़ा दोस्तों आप सब्र रखो क्योंकि सभी कैंडिडेट को इसराइल जो भी जाना चाहते हैं सबको जॉब मिलेगा, जो भी एक्चुअल में काम जानते हैं जिनको काम आता है उन सबको कैंडिडेट को जॉब मिलेगा, जिनको काम नहीं आता है तो दोस्तों अपने आसपास में कोई ट्रेनिंग सेंटर में जा करके आप 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग ले लें, उसके बाद आप इंटरव्यू में अप्लाई करें, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि इसराइल का वीज़ा आपको मिल जाएगा और लंबा चलने वाला है, रिक्वायरमेंट अभी लंबा चलेगा। दोस्तों कई कैंडिडेट के पास में फेक ऑफ़र लेटर भी आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास से 2-3 कैंडिडेट का मैसेज आया था कि सर मेरे पास ऑफ़र लेटर आ चुका है, तो मैंने उस ऑफ़र लेटर को देखा तो वहाँ पे पता लगा कि वो फेक ऑफ़र लेटर था और उनके ऑफिस के द्वारा बोला जा रहा है कि आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको मैं फ्री में भेजने वाला हूँ। ठीक है, वो दोस्तों क्या करते हैं कि आपको बुला लेंगे ऑफिस में, उसके बाद में बोलेंगे 10,000 रुपया आपका एडवांस लगेगा और 10,000 रुपये आपका एम्बेसी में देना पड़ेगा और 20,000 का आपको टिकट लेना पड़ेगा। ऐसे करते करते आपसे 40-50,000 रुपया ले लेंगे, फिर आप वहाँ पे फंस जाओगे बुरी तरह। तो ऐसे जॉब कंसल्टेंसी के पास बिल्कुल मत जाना, ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, डायरेक्ट ऑफिस में जा करके अप्लाई करना दोस्तों। तो ऐसे ऑफिस में अगर आप दोस्तों चले जाते हो गलत ऑफिस में तो दोस्तों आपका पैसा भी जाएगा और पासवर्ड भी जाएगा, पासवर्ड भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे ऑफिस में जाने से बिल्कुल बचें दोस्तों। जो भी कंसल्टेंसी का ऑफिस का अच्छा रिक्वायरमेंट आता है तो मैं यहाँ पर अपडेट जरूर करता रहूँगा आपके साथ में। और अगर दोस्तों आपको अगर कोई सवाल पूछना हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और मैं जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें आप वीज़ा कैसे चेक करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं, इसराइल का वीज़ा आप कैसे चेक कर सकते हैं और ऑफर लेटर भी कैसे चेक कर सकते हैं इसके बारे में जल्दी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम नई वैकेंसी या अपडेट लेके आए कोई इसराइल से रिलेटेड उसको आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।